दोस्तों ब्लडी संडे में मैं जय शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ एक नई हिला के रख देने वाली कहानी के साथ। तो चलिए दोस्तों अब डर को करीब से देखते हैं। मित्रों मेरा नाम रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम वसीम है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी और वह उसकी मंगेतर जिसका नाम रेशमा था उससे बहुत प्यार करता था और वे दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते थे। एक दिन की बात है उसने मुझे बताया कि वह उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। वसीम ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। वसीम एक बार तो ये सुनकर चौंक गया, फिर ये सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर वसीम भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा देखते हैं। तो फिर वो बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब वसीम मुझसे मिला तो वो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात को 2-3 बजे के आसपास अचानक मेरी नींद खुल गई और उसके सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने वसीम के गले को पकड़ लिया, उसकी सांसें रुक गईं। वसीम ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन वसीम ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझसे क्या अनाप समाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। ये सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त वसीम ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर वसीम की मंगेतर के घर गए। वहां हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आवाज़ में बोली, तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। वसीम बोला, ये क्या बोल रही हो तुम। वसीम आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतार कर वसीम के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। वसीम के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने वसीम के सर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादाजी ने बताया कि रेशमा को जिन्न का साया लग गया है। इस पर वसीम के ससुर ने उन्हें अपना मुँह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुक कर हम वहाँ से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे वसीम का फ़ोन आया कि रेशमा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। वसीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी से अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से रेशमा की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने रेशमा को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले रेशमा को घर ले आए। रेशमा ने वसीम को बुलाया और कहा, अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊँगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर वसीम की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादाजी ने उसको पास ही के पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, पर अब बहुत देर हो गई है। पीर बाबा ने बताया इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, इसका इलाज वहीं हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। वसीम ने कहा कि मैं चला जाऊँगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 3 बजे वसीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल गए, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि वसीम और रेशमा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए।
ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, ब्लडी संडे के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।